देश का सबसे बड़ा पैनल। इंट्रोड्यूस कर देता हूं एक एक करके मैं। के मिश्रा पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, मेरे साथ इस वक्त नोएडा स्टूडियो से लाइव हैं। पवन शर्मा आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, दयाशंकर दुबे नेता बीजेपी, राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ओडी त्यागी प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, डॉक्टर केहर सिंह प्रवक्ता सीपीआई के, अरविंद वाजपेयी राष्ट्रीय प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी के। एके मिश्रा जी, 1977 के बाद से जिस दौर की मैं बात कर रहा था, 1977 के बाद से देश में 138 राज्य सरकारों का गठन हुआ है। मैं रिपीट करूंगा, मैं इसीलिए तमाम पैनलिस्ट से कहता हूं कि आप भी तथ्यों के साथ में बैठे, क्योंकि मैं तथ्यों के साथ बात करना पसंद करता हूं। 1977 के बाद से आज तक 138 राज्यों में राज्य सरकारों का गठन हुआ है और इनमें से 40 गठबंधन की सरकार रही, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका औसत कार्यकाल 26 महीने से ज्यादा यानी सवा दो साल से ज्यादा का नहीं रहा। तो ऐसे में मैं, प्रदेश की जनता, देश की जनता गठबंधन की राजनीति पे विश्वास कैसे करें? के मिश्रा जी, देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे सारे यहाँ पे नेता भाई लोग बैठे हैं और मैं पब्लिक से बोलूंगा कि आप इनकी बात पे मत जाइए, क्योंकि ये सब लोग ये बोलते हैं हम ही बेस्ट है, बाकी सारे पार्टी और जो लोग हैं वो बेकार है। इतिहास को देखें और अगर कंक्लूजन निकाले तो मैं ये बोलूंगा कि अगर लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए, न्याय के हिसाब से देखा जाए, उचित और अनुचित क्या है इस हिसाब से देखा जाए, तो ये जो गठबंधन की सरकारें और गठबंधन की राजनीति होती है, दो दल है गठबंधन में, यूपीए और एनडीए, मैं दोनों को अच्छा नहीं मानता हूं। एक को आप चाहे नागनाथ बोल लीजिए तो दूसरा सांपनाथ है, यानी जनता को डसा जाना है, चाहे वो नागनाथ जी डसे या फिर सांपनाथ जी डसे। और आप सारे इतिहास को देखिए, लेटेस्ट कल की ये घटना है कि जब गठबंधन वहां पे जम्मू कश्मीर में हो रहा था तो दोनों पार्टी के नेताओं ने ऐसे बोला कि जैसे ये गठबंधन ना हो के एक ही सरकार है और 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। सवाल यहाँ पे यही है राशिद, मैं आपको बताता हूँ कि ये कहने के लिए सिर्फ होता है कि हम देश हित में बात कर रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे, हम देश हित का काम करेंगे, लेकिन ये चोला पहनाया जाता है देश हित का, राजनीतिक चोला, और होता क्या है कि अपना राजनीतिक हित पहले साधा जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल और तथ्य दूंगा, आप ये देखिए, यूपी में जब इलेक्शन होने वाला था तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पहले मैं खुद सड़क से जा रहा था, मेरठ वगैरह में दीवाले पुती हुई थी, 27 साल यूपी बेहाल ये नारा था, और जैसे ही गठबंधन हुआ इलेक्शन के पहले, यूपी के लड़के काम बोलता है, फिर ये हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ इतना विरोधाभास है और इलेक्शन के कुछ दिन पहले तक, फिर आप एक हो गए तो भी कोई साथ पसंद है, जो 27 साल यूपी में हाल था, फिर नारा ये हो गया यूपी को साथ पसंद है। पवन शर्मा जी, मतलब स्वार्थ है पवन शर्मा जी, राजनीतिक तौर से हम आपको स्वार्थी क्यों न माने, जो भी एके मिश्रा पॉलिटिकल कमेंटेटर एक तटस्थ पत्रकार के तौर पर कह रहे हैं, ठीक है विमल द्विवेदी, एके मिश्रा को लेकर के आता हूं और मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से ये पूरी डिबेट पूरे पैनल के लिए खुल जाए। एके मिश्रा, और ये डिबेट पूरे पैनल के लिए पूरी तरह से ओपन है, और एके मिश्रा को मैं वापस से लेकर के आऊंगा इस डिबेट में। एके मिश्रा जी, मैं जिस घुटन की बात कर रहा था, क्या गठबंधन में घुटन भी होती है? ये घुटन हमने उत्तर प्रदेश में भी देखी है, ये घुटन हमने केंद्र में भी देखी है, ये घुटन एक जमाने तक हमने केंद्र में देखी है, और सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर में अभी हाल के दिनों में वो घुटन हम देख ही चुके हैं। क्या गठबंधन की वजह से कोई पार्टी विशेष घुटने को मजबूर रहता है? और ये जो घुटन होती है, क्या ये सीधे तौर पर जनहित के खिलाफ है? राशिद, टेक्निकली आप जरा देखिए, जो गठबंधन है उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके मैकेनिज्म को आप एनालाइज करिए। गठबंधन है क्या? एक बड़े से बर्तन में बहुत से लोगों को रख दिया है, तो डेफिनेटली वहां पे भी कॉम्पिटिशन, विद इन कॉम्पिटिशन का कॉन्सेप्ट जो है लागू होता है। गठबंधन होने का मतलब ये नहीं हो गया, जैसे सपोज बीजेपी का गठबंधन है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अपना दल अब आगे नहीं बढ़ना चाहती है। अपना दल भी अगर मान लीजिए 5 सीट पे है तो वो चाहेगी कि मैं 10 सीट पे बनूं, और अपना दल या किसी और दल की महत्वाकांक्षा भी ये होगी कि भाई हमारे नेता जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। बाहर के जो दूसरे दल है उसमें इसी चीज का तो विवाद है कि मुलायम सिंह यादव जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, सपा ये शर्त रख रही है कि भाई हमारे नेताजी जो है प्राइम मिनिस्टर बने, ममता बनर्जी की पार्टी अपने कैंडिडेट को, कांग्रेस अपने। तो ये जो कंपटीशन, विद इन कंपटीशन, जहां कंपटीशन होगा वहां सफोकेशन होना निश्चित है। और दूसरी चीज, कोई भी गठबंधन अगर आप देखिए, उसका नेचर देखिए, तो उसमें होता क्या है और कंपोनेंट देखिए, इलेक्शन के टाइम पे ये सत्ता पाने के लिए एक होते हैं, लेकिन सबकी आइडियोलॉजी बहुत डिफर करती है। मैं ये बोल सकता हूं कि जो बेसिक आइडियोलॉजी किसी एक पार्टी की होती है, सिद्धांत होता है, हार्डली 30 से 40% वो मैच करते हैं, और सत्ता के लालच में, मजबूरी में लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताऊं,
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, ये दो पार्टियां ऐसी क्लोज पार्टी हैं, इतना गजब का एग्जांपल है, जिनकी आइडियोलॉजी मैं मानता हूं कि क्लोजेस्ट मैचिंग सिचुएशन में है। लेकिन अब आज क्या हुआ, आज क्यों शिवसेना अलग हो रही है? मतलब उनके अपनी निजी, उनके पर्सनल जो है पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है, स्वार्थ नहीं। आप इसको महत्वाकांक्षा बोलिए, स्वार्थ है थोड़ा सा माननीय लोगों के लिए, मैं इतना गिरा शब्द नहीं प्रयोग करूंगा। शब्द क्या सर? स्वार्थ, स्वार्थ की वजह से भुगतते हैं तो देखिए, राजनीति में जो है उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है। बिहार में देखिए, लड़े किसी और के साथ, जाकर के सरकार नहीं, मैं रामविलास पासवान जी को बोलना चाहता हूं, हमारे मित्र बैठे हैं, आपने ऐसे आदमी का साथ छोड़ दिया स्टूडेंट लाइफ में, लालू यादव और नीतीश यादव और रामविलास पासवान, एक ही गुरु के ये तीनों चेले हैं। लेकिन आज तीनों में देखिए, अभी 4 साल 5 साल, हर कोई जेपी को भूल, नहीं हर कोई जेपी को नहीं भूल गया, जेपी को भूल जाइए, जेपी की शिक्षा को भूल गई है लोग, जेपी के सिद्धांतों को भूल गए ये लोग। आज रामविलास पासवान सबसे ज्यादा, बहुत आपने भाषण, अरविंद वाजपेयी जी जरा सा थोड़ा सुन लीजिए। नहीं नहीं, भाषण सर आप लोग देते हैं और दुनिया इससे परेशान है। ये राजनीतिक गठबंधन होते हैं। अच्छा, ये लड़का लड़की की शादी का गठबंधन नहीं है। अच्छा, राजनीतिक गठबंधन में सब अलाउड है? हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, हर पार्टी की अपनी नीति होती है, हर पार्टी का अपना नेता होता है। सर मैं यही बोल रहा हूँ, 15 साल 20 साल तक आप साथ रहे, आज क्या हुआ? आज क्या बदल गई? सेटअप क्या है? आपके पार्टी का सिद्धांत बदल गया? नंबर गेम क्या होता है? मौका परस्ती के कारण आप लोगों ने किया, वो बड़ी पार्टी एक तरीके से अपना सर आप मुझे बता दीजिए, बीजेपी की सरकार में क्या हुआ? देखिए, बीजेपी को अपना पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हमारे आदमी को मंत्री बनाया, अपना दल को रामविलास पासवान मुसीबत के समय में लालू यादव के साथ जाएंगे, लालू यादव के साथ जाएंगे, करप्शन में कहां चले गए, तो ऐसे आदमी के साथ कौन रहेगा? जिसके हर आदमी का अपना एजेंडा होता है, जिस पार्टी का अपना डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, आज अगर वो मुसीबत में है तो आपके लिए सारे सिद्धांत फीके पड़ गए। डेमोक्रेटिक सोशल फैब्रिक को बचाना भी होता है, उसके बाद पीपल अलायंस होती है, पोस्टल अलायंस होती है। आज आप केवल सत्ता के लिए आपको एक मंत्री पद मिल गया है, तो आप अपने सारे सिद्धांतों को भूल जाते हैं। कश्मीर में हुआ, अभी ये बिल्कुल नहीं होगा, दो दिन पहले हुआ, कश्मीर में बीजेपी ने कोशिश की। आप अपना पॉइंट रेस कर लिया, आप अपना पॉइंट रेस कर लिया सर। पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ बैठे हुए हैं, चले जाएंगे दशकों तक, उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, जाना है, समझा। इस देश की जनता जो है, इतनी क्या ये बात सही नहीं है कि बीजेपी जो गठबंधन बनाती है उसके मूल में धर्म होता है, और बीजेपी से अलग कोई भी अलायंस जब भी तैयार होता है उसके मूल में जाति होती है, और जब बात जाति की आती है तो वहां पर धर्म हिंदुस्तान में चला नहीं करते, और वहीं पर ये महागठबंधन बीजेपी को डरा रहा है। राशिद देखिए, मैं आपको बताऊं, जब कांग्रेस का पतन होने लगा और ये जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं, जैसे बिहार और यूपी में और सारे स्टेट में, चाहे वो डीएमके रही हो, साउथ में कोई भी पार्टी रही हो, आप देखिए, आपने जो बात बोली वो एकदम सही है। मतलब आप अगर समाजवादी पार्टी की अगर आप राजनीति देखिए तो यादव मुस्लिम का फार्मूला, उसके बाद आप बिहार में देखिए तो ये फार्मूला हिट था, तो सब जगह ये जो होता है। देखिए, मैंने आपको एक पहले वर्ड बोला कि पॉलिटिक्स विद इन पॉलिटिक्स या कॉम्पिटिशन विद इन कॉम्पिटिशन। नेशनल लेवल का जो एक एजेंडा होता है, वहां वोटों को कैसे संग्रहित करना है, कैसे कलेक्ट करना है, डिफरेंट होता है। स्टेट लेवल में क्षेत्रीय दलों के उद्भव का और उनके सक्सेस का मेन रीजन ही ये था कि स्टेट में जातिगत वोटों का ध्रुवीकरण करना, ये सारी पार्टियों ने किया। बसपा अगर पावर में आई तो उसके पीछे उसका मेन वोट बैंक एक पर्टिकुलर जातिगत क्लास था। समाजवादी पार्टी भी अगर सत्ता में आई तो उसके पीछे कुछ न कुछ जातिगत क्लास का एक वोट बैंक था। एक काम कर लेते हैं।